नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे दोहरान, यानी कि रिवीजन। हम पढ़ेंगे रिवीजन, दोहरान करेंगे संज्ञा का। हमने पहले संज्ञा पढ़ी है, उसी का आज फिर से रिवीजन करेंगे, यानी कि दोहरान करेंगे। दोहरान और रिवीजन एक ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने उसमें पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे किसी प्रकृति के चित्र का नाम हो, या पेड़ हो, पौधा हो, आपके खेलने की वस्तुएं हो, साग सब्जियां हैं, किसी का भी नाम होता है, वो सबके सब किस में आते हैं? संज्ञाओं में आते हैं। अब नाम तो सारे के सारे संज्ञाओं में आते हैं, आपको पता ही है, लेकिन हम इन नामों को अलग अलग कैसे विभाजित करेंगे, यानी कि अलग अलग कैसे बांटेंगे। स्थानों के नाम अलग बांटने हैं, शहरों के नाम उसी में आ जाते हैं, स्थान में शहर, गांव, कोई भी स्थान हो सकते हैं, स्कूल, बगीचा, आपका घर, या फिर आप बोल सकते हो ताजमहल, कुतुब मीनार, कैसे भी स्थान होते हैं, वो सारे के सारे किस नामों में आते हैं? स्थानों के नामों में। तो हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इससे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी हो, भाव हो, किसी का भी नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको 10 नाम दे दिए, राम, आम, सब्जी, थैला, साइकिल, और सीकर, लक्ष्मणगढ़, ताजमहल, ऐसे नाम आपको दे दिए। अब आपको इन सारे नामों में से वह पूछेंगे कि इसमें से शहरों के नाम बताइए, वस्तुओं के नाम बताइए, या फिर व्यक्तियों के नाम बताइए, तो आपको अलग अलग इनको विभाजित करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्ति, अब व्यक्तियों के नाम क्या हो सकते हैं? व्यक्तियों के नाम में क्या आ सकता है? जैसे अक्षय, दिनेश, दीपक, ये क्या है? व्यक्ति है। आप अपना भी नाम लिख सकते हो, आप अपनी फैमिली का, किसी का भी नाम, जितने भी जो भी व्यक्तियों के नाम है वो सारे के सारे किस में आएंगे? व्यक्तियों के नाम में आएंगे। अब दूसरा लेते हैं हम वस्तुओं के नाम। तो वस्तु, वस्तु कौन कौन सी होती है? आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे चौक मेरे हाथ में है, हम लिखते हैं चौक, ये भी क्या है? वस्तु है। श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, हम लिखते हैं श्यामपट्ट,
श्याम पट किसे कहते हैं? इसी ब्लैक बोर्ड को श्याम पट कहते हैं, जिस पे हम टीचर्स जिस पे पढ़ाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? श्याम पट। आप ले सकते हो पेंसिल, पेंसिल भी वस्तु है। आपका कोई भी खिलौना, ये ले सकते हो साइकिल, ये भी क्या है? वस्तु ही है। ये सारे के सारे वस्तुओं के नाम होते हैं। इनकी जगह आप मेज, कुर्सी, पंखा, कोई भी वस्तु वह चीज होती है जो खुद से चल फिर नहीं सकती। खुद से चल फिर कौन सकता है? व्यक्ति। सिर्फ व्यक्ति या फिर कोई भी प्राणी जो है वो खुद से चल फिर सकता है जिसमें जान होती है, यानी कि जिसमें जीव होता है, वही खुद से चल फिर सकता है। बाकी चीज़ें किसमें आएंगी? वस्तुओं में। कोई भी चीज़ रखी है, डस्टर रखा है, ये खुद से नहीं जा सकता, हम ही इसे उठा के दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। मान लीजिए पेपर है, ये भी खुद से नहीं चल सकता है, हम ही इसको उठा के लेके जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो खुद से नहीं चलती है और वस्तुओं के नाम कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्थान। स्थान में आप किसी भी जगह का नाम, शहर का नाम लिख सकते हैं। स्थानों के नाम हम ले लेते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण गढ़, जयपुर, ताजमहल, बगड़िया स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हो आप, अपने घर का नाम ले सकते हो, कोई भी स्थान है वो सारे के सारे किस में आते हैं? स्थानों के नाम में। नेक्स्ट है प्राणी। अब प्राणियों में कौन आते हैं? यहाँ पे हमने लिया व्यक्ति, यहाँ पे हमने लिया प्राणी। प्राणी पशु पक्षियों के लिए यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जो भी पशु पक्षी है वो सब किस में आते हैं? प्राणियों के नाम में। तो प्राणी, पशु कौन कौन से होते हैं? जो चार पैरों पे जमीन पे चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? पशु। और जो उड़ते हैं आसमान में वो कौन कहलाते हैं? पक्षी। तो हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं मोर। मोर क्या है? पक्षी। तोता, कौवा, इसी तरह पशुओं के नाम ले सकते हैं, गाय, बैल, बकरी, शेर, चीता, भालू, हिरन, जो भी पशु है वो सारे के सारे और जो भी पक्षी है वो किस में आएंगे? प्राणियों के नाम में। दूसरा है भाव। अब भाव के नाम, जहाँ पे जो चीज़ें हमें महसूस होती है मगर हम उनको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे मन के भाव। तो वहाँ पे किसके नाम आते हैं? भाव के नाम। यहाँ लिखेंगे भाव। भाव में जैसे प्रेम, प्रेम हमारे मन का भाव है, इसे सिर्फ हम फील करते हैं यानी कि महसूस करते हैं, हम प्रेम को देख नहीं सकते कि कौन हमसे कितना प्रेम कर रहा है। इसी तरह हम ले सकते हैं घृणा। घृणा भी हमारे मन का भाव ही है। दूसरों को नहीं पता चलता है आप किससे कितनी घृणा करते हैं या आपसे कौन कितनी घृणा कर रहा है। घृणा यानी नफरत होता है। इसी तरह से हम ले सकते हैं खटास। खटास है, मिठास है, कड़वापन है, ये सारी की सारी चीज़ें भाव में आती है, क्योंकि इनको छूने से या देखने से हमें नहीं पता चलेगा कि ये खटास है, मिठास है या कड़वाहट है। इनको हम खाएंगे तभी इनका पता चलेगा यानी कि महसूस होगा हमें। तो ये भी हमारे मन के भाव है। तो आपने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा में दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे नाम, जिनके उनके कुछ ना कुछ नाम दिए हुए हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं उनके कुछ ना कुछ नाम है ना। देखिए अपने आसपास सभी चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं और वो सारे के सारे नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब हमें यह इनमें विभाजन करना है कि कौन से नाम व्यक्तियों के हैं, कौन से नाम वस्तुओं के हैं, कौन से नाम स्थानों के हैं, कौन से प्राणियों के हैं और कौन से
भौंकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप इसको ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और दोहरान करेंगे। थैंक यू।